अवार्डेड मूवी पीपली लाइव। पीपली लाइव का फेमस सॉन्ग महंगाई डाइन खाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। महंगाई, महंगाई हम सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महंगाई से उत्पादक वर्ग भी प्रभावित होते हैं और श्रमिक वर्ग भी प्रभावित होते हैं। हाँ, अलग बात है, उत्पादक वर्ग को इससे लाभ होता है सामान्य परिस्थिति में, और श्रमिक वर्ग जो वेतनभोगी वर्ग होते हैं, सैलरी वेजेस, सैलरी बेस्ट क्लास हैं, उसको इससे लॉस होता है। महंगाई को आर्थिक शब्दावली में, इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी में इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन को ही हिंदी में हम लोग मुद्रा स्फीति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वह यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, या अनदर वन डे एग्जाम हो, प्रायः सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और यह टॉपिक ट्रेंड का है। बीपीएससी एग्जाम में तो रेगुलर यहां से एक क्वेश्चन होते हैं, इवन यूपीएससी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन होते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अलग अलग डायमेंशन होते हैं। अगर हमें टॉपिक पढ़ना है तो इसके अलग अलग डायमेंशन को सब टॉपिक में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन मींस इन मुद्रा स्फीति का मापन कैसे होता है। मुद्रा स्फीति के मापन के बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, और न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नवीन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक नया सूचकांक डेवलप हुआ है और लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चंस आ भी रखे हैं इससे। फिर इन्फ्लेशन के कारण क्या है, रीजन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट होता है हमारे ऊपर, क्या प्रभाव पड़ता है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, अर्थात इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट लेती है। फिर करेंट ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन, दीज डायमेंशन आर रिलेटेड विथ इन्फ्लेशन बेस्ट टॉपिक। मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के साथ इन्फ्लेशन टॉपिक, मुद्रा स्फीति टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं टर्मिनोलॉजी क्या है। देयर आर फाइव टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन अपोजिट कंडीशन और इन्फ्लेशन रिलेटेड सिचुएशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन फर्स्ट वर्ड, इसको मुद्रा स्फीति कहते हैं हिंदी में। डिस इन्फ्लेशन, इसको अवस्फीति कहते हैं। यहां पे मैंने केवल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज किया है इसलिए कि इसके हिंदी वर्ड जो है बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। अवस्फीति, अपस्फीति, इस तरह के वर्ड है जो कि टेक्निकल वर्ड है और बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए देखेंगे हिंदी मीडियम बुक में भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही होता है। दीज आर फाइव सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, और यही इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है। आज का हमारा वीडियो इसी टर्मिनोलॉजी के बेस पे है। इन्फ्लेशन पहला टर्मिनोलॉजी, दूसरा डिस इन्फ्लेशन, तीसरा डिफ्लेशन, चौथा रिफ्लेशन, और पांचवा स्टैगफ्लेशन। ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है यह अर्थव्यवस्था के अवस्थिति को बताता है, सिचुएशन बेस्ड टर्मिनोलॉजी है। क्या है, आइए देखते हैं एक एक टर्मिनोलॉजी को। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इन्फ्लेशन है, हिंदी में इसको मुद्रा स्फीति कहते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा था, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो ए सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी When increasing the price of goods and services and decreasing the value of money, सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं जब इस मार्कर की कीमत बढ़ती है और मुद्रा की कीमत घटती है, which is the condition of inflation, you can say मुद्रा स्फीति। जैसा कि यहां पे दे रखा है, देखिए वस्तु की कीमत कितना सार, कितना कम कॉमोडिटीज है, कितने कम ऑब्जेक्ट है, लेकिन करेंसी का अमाउंट अधिक है। अगर फिगर से आप देखना चाहे तो मीन्स यहां पर करेंसी, मुद्रा की कीमत कम हो गई है, करेंसी की कीमत कम हो गई है, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ गई है। अपोजिट यू कैन से डिक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी मींस मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन हो सकता है आपसे किस कंडीशन में, अर्थव्यवस्था के किस सिचुएशन में मुद्रा की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, व्हिच इज द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे यह मार्कर पहले 10 रुपया में मिलता था और वर्तमान समय में इसकी कीमत कितनी हो गई है, 15 रुपया। दैट मींस इस मार्कर की कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है, अर्थात मुद्रा की परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब देखते हैं यह इन्फ्लेशन क्या यह हेल्दी है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। यस, ए डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 10 रुपया में एक मार्कर पहले मिल रहा था, अब इसकी कीमत बढ़ के हो गई है मान लो 12 रुपया। जो प्रीवियस प्राइस था इसका 10 रुपीज, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट था 2 रुपया, और अब इसकी कीमत बढ़ के हो गई है 12 रुपीज, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, एक मार्कर का प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ के हो जाएगा 2 + 2 = 4 रुपीज। तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो गया है, उत्पादक का प्रॉफिट इंक्रीज कर गया है, प्रॉफिट इंक्रीज कर गया है, लाभ इंक्रीज कर गया है, तो अर्थात उसके सेविंग क्या होंगे, बचत भी इंक्रीज कर जाएंगे, उसके सेविंग इंक्रीज कर गए हैं,
तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वह भी इंक्रीज करेगा। अब उसके पास पहले एक मार्कर की कंपनी थी, अब वह क्या करेगा, एक और मार्कर की कंपनी को सेटअप कर सकता है, क्योंकि वह अधिक निवेश कर सकता है क्योंकि उसके लाभ बढ़ गए हैं। तो अधिक मार्कर की कंपनी, दूसरी मार्कर की कंपनी इन्वेस्ट को सेटअप करेगा, तो उसमें भी इंप्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, अर्थात आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेगा, वह प्रमोट करेगा। दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन इंटरलिंक्ड विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। लेकिन ए डिजायरेबल रेट, एक आदर्श मात्रा तक, लेकिन जैसे ही इसकी कीमत 10 से 25 रुपया हो जाए इस मार्कर की कीमत, तो वह अनहेल्दी कंडीशन है। हम लोग जब इन्फ्लेशन टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में पढ़ेंगे, देयर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्रीपिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, गैलोपिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाइपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसी पे होगा। तो ए डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, फाइनली आप कह सकते हैं, इज गुड फॉर इकोनॉमी। इसी को लेकर के एक अर्थशास्त्री थे फिलिप्स, व्हिच रिप्रेजेंट द फिलिप्स कर्व, और उन्होंने स्पष्ट किया है, फिलिप्स कर्व शोइंग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात मुद्रा स्फीति की दर अधिक होगी तो बेरोजगारी की दर कम होगी, मुद्रा स्फीति की दर कम होगी तो बेरोजगारी की दर बढ़ेगी। कैसे, अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है, जैसे इस वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिकेट किया हुआ और एक्स एक्सिस पे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है तो आप देख पा रहे होंगे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मात्र 3% है। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8% है तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई की दर कम है 4% है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ह्यूज है 8% है। तो यह फिलिप्स कर्व, हालांकि बहुत सारे क्रिटिक्स इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन एक हद तक यह सही है। अर्थव्यवस्था में एक आदर्श मात्रा तक रेट ऑफ इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। तो यह फिलिप्स कर्व है, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां इस पर और हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के साथ दूसरा वर्ड यूज होता है डिस इन्फ्लेशन। यह डिस इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का अपोजिट है डिस इन्फ्लेशन। अपोजिट कहने का सेंस है क्या, मींस इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है वह मेजर्स ही क्या कहलाता है, डिस इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे मैंने यहां पे लिख रखा है, डिस इन्फ्लेशन इज ए टेक्निक टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज डिक्लाइनिंग ओवर टाइम बट रिमेन पॉजिटिव इन द कंडीशन ऑफ डिफ्लेशन, मींस मुद्रा स्फीति के दर को नियंत्रित करने के लिए सरकार जो टेक्निक यूज करती है वह क्या कहलाता है, डिस इन्फ्लेशन। अर्थात जब मार्कर की कीमत ए डिजायरेबल रेट से अधिक हो जाए, 10 से 12 रुपया हो तो ठीक है, 12 से 15 रुपया हो तो भी ठीक है, 15 रुपया से अगर 20 रुपया हो जाए तो उसको, उसके प्राइस को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो जो स्टेप्स लेगी व्हिच इज कंसीडर्ड एज डिस इन्फ्लेशन। यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे प्राइस 20 रुपया से कम होगा, ना कि प्राइस जो है वह निगेटिवली डिक्लाइन होगा, अर्थात 10 रुपया से कम होगा, ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई डिस इन्फ्लेशन इज ए पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव फेनोमेना, पॉजिटिव सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। जब इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, व्हिच इज कंडीशन ऑफ डिस इन्फ्लेशन। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, वस्तु की कीमत विभिन्न कारणों से तेजी से कम होती है, और वस्तु की कीमत जैसे मार्कर प्रीवियस कीमत 10 रुपया था, 10 रुपया से घट के 8 रुपया हो जाएगा, व्हिच इज कंडीशन ऑफ डिफ्लेशन, मींस 0% से भी कम हो जाए, जब व्हेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज लेस देन 0% इज द कंडीशन ऑफ डिफ्लेशन, जो कि इकोनॉमी का नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव कंडीशन है। लेकिन डिस इन्फ्लेशन क्या है, इकोनॉमी का पॉजिटिव सिचुएशन। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। आइए देखते हैं डिफ्लेशन डिटेल्स में क्या है। डिफ्लेशन इज ए डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसा मैंने पहले कहा था, जब इसके सामान्य गुड्स एंड वस्तु और सेवा के कीमत में कमी आती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस इन्फ्लेशन कहते हैं। इट अकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%, दैट यू कैन से 10 रुपये का मार्कर अगर अब 10 रुपये में ना मिल करके 8 रुपया में मिल रहा है, which is the condition of disinflation। अब यह अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही अनहाइजेनिक है, दिख रहा होगा आपको यह एरो दिखा रहा है, यह कैसे अनहाइजेनिक है। जैसे मैंने पहले कहा था, प्रोड्यूसर अगर 10 रुपया में मार्कर सेल कर रहा था तो उसको 2 रुपये का प्रॉफिट था, लेकिन अब चूंकि मार्कर की कीमत घट गई है और मार्कर की कीमत घट के हो गई है 8 रुपया, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट हो जाएगा 0। चूंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट 0 होगा तो कमिंग इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा,
और साथ ही साथ प्रोड्यूसर क्या करेगा, अब इंप्लॉयमेंट कटिंग करेगा, मींस अपने प्रोडक्शन को श्रिंक करेगा, श्रिंक करेगा तो इससे क्या होगा, अनइंप्लॉयमेंट सिचुएशन, और वही क्या करेगा फाइनली रिसेशन में कन्वर्ट करेगा। इसलिए डिफ्लेशन, डिफ्लेशन वर्ड कनेक्ट विथ रिसेशन, एंड सेम एज जो मैंने पहले कहा था, इन्फ्लेशन वर्ड कनेक्ट विथ इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धि के साथ वह कनेक्ट होता है, और डिफ्लेशन क्या होता है, वह रिसेशन से कनेक्ट होता है। जैसा कि यहां पे दे रखा है, फॉल्स बिलो 0% जब होता है तो उसका इफेक्ट पर क्या पड़ता है, डिक्रीजिंग नॉमिनल प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मींस जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है, नॉमिनल प्राइस है, वह डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर, यही मैंने यहां समझाया है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, चूंकि प्रॉफिट डिक्रीज करता है तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है, डिक्रीजिंग प्रोडक्शन, अब चूंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो विच कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसेशन इन इकोनॉमी, मींस वह जिम्मेदार होता है अर्थव्यवस्था में मंदी के लिए। अब समझिएगा, यह रीजन है, यह अल्टीमेट इंपैक्ट है डिफ्लेशन का, और इस डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है, विच इज द कंडीशन ऑफ रिफ्लेशन, और रिफ्लेशन कंडीशन क्या होगा, यहां पे मार्कर की कीमत 10 रुपया से घट के 8 रुपया हो गई, दैट मींस सिंपल सा अर्थ है मार्कर का डिमांड नहीं है इसलिए मार्कर की कीमत घट रही है। तो जनरल कंडीशन में गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ाने के लिए जो जो स्टेप लेती है, विच इज द कंडीशन ऑफ रिफ्लेशन, जैसे मैं यहां पर मैंने यहां पर डाल रखा है रिफ्लेशन पॉलिसी कैन इंक्लूड रिड्यूसिंग टैक्स, अगर सरकार प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स को कम करती है तो पब्लिक के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है, और चूंकि इनकम बढ़ जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ जाता है तो वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बात है कीमत बढ़ेगी, डिमांड सप्लाई थ्योरी पर, डिमांड सप्लाई थ्योरी और प्राइस, डिमांड सप्लाई और प्राइस तीनों इंटरलिंक्ड होता है, जानते हैं डिमांड बढ़ता है सप्लाई एज यूजुअल होता है तो प्राइस बढ़ती है। अब यहां पे प्राइस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और बहुत सारे स्टेप लेती है, जैसे इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, इनकी मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करती है, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के द्वारा और मौद्रिक नीति के द्वारा। राजकोषीय नीति के द्वारा मीन्स गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तरह तरह के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को चलाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कैसे होता है, बैंक रेट कम हो जाता है, रेपो रेट कम हो जाता है, डिफरेंट मॉनेटरी मेजर्स होते हैं उसके रेट्स कम हो जाते हैं, जिस कारण से मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होता है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। ये सारे हमारे क्या है, रिफ्लेशन मेजर्स हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी कंडीशन और डिफ्लेशनरी कंडीशन पैरेलल रन हो, अर्थात एक साथ मुद्रा स्फीति की स्थिति भी हो और मंदी की स्थिति हो, विच इज कंडीशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। ऐसा यहां पे दे रखा मैंने, जीडीपी ग्रोथ रेट कम है, डिमांड कम है, उसके बाद अनइंप्लॉयमेंट अधिक है, इन्फ्लेशन अधिक है, विच इज द कंडीशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारा इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, सपोज दैट एक फार्मर है या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का टारगेट था और उस टारगेट से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस हुए, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस हुए तो मार्केट में उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है डिमांड बना हुआ है, सप्लाई कम हो गया है, डिमांड एज यूजुअल है तो प्राइस क्या होगी इसकी, बढ़ जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, दैट मींस एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्फ्लेशनरी कंडीशन, एग्रीकल्चर कमोडिटी सेक्टर में इन्फ्लेशनरी कंडीशन। सेम टाइम चूंकि टोटल प्रोडक्शन कम हुआ है इसलिए फार्मर का इनकम क्या होगा, कम होगा, चूंकि फार्मर का इनकम कम हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है फार्मर के नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के डिमांड कम हो जाएंगे, जैसे फार्मर को अपने लड़की की मैरिज करनी थी तो मैरिज वेडिंग जो आइटम्स थे वह अब डिमांड में नहीं रहेगा, या फिर फार्मर अपने बच्चे को बाहर स्टडी के लिए भेजना चाहता था तो वह नहीं भेज पाएगा क्योंकि इनकम कम हो गया है, फार्मर को अपने घर को बिल्डिंग को रिपेयर करवाना था तो ऑब्वियसली बात है जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसके डिमांड कम हो जाएंगे, दैट मीन्स क्या नॉन एग्रीकल्चर आइटम्स के डिमांड कम हो गए, डिमांड कम होंगे तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे, उसमें रिसेशनरी कंडीशन, अनइंप्लॉयमेंट वही इंडिकेट कर रहा है यहां पर अनइंप्लॉयमेंट, जबकि सेम टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है डिमांड अधिक है व्हिच इंडिकेट द इन्फ्लेशनरी कंडीशन। तो स्टैगफ्लेशन इज सिचुएशन व्हेन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन पैरेलल रन इन इकोनॉमी
इज द कंडीशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। तो यहां पे इस वीडियो में हम लोग इस पांच टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किए हैं, इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इन्फ्लेशन कंप्लीट टॉपिक पे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज में आए हुए क्वेश्चन को ही मैं लेके आऊंगा, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या ट्रेंड है। रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।